हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार जब भी हमारे हाथों या फिर पैरों पर अनचाहे बाल दस्तक देते हैं तो अक्सर या तो हम हेयर रिमूवर किट का इस्तेमाल करते हैं या फिर वैक्सिंग करा लेते हैं, क्योंकि हमारे हाथ और पैरों की त्वचा काफी ज्यादा सख्त होने के कारण वैक्सिंग करवाते समय हमें दर्द तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है कि हम उसे बर्दाश्त न कर पाए। इसीलिए वैक्सिंग कराना हमें बेहतर ऑप्शन लगता है, लेकिन जब यही समस्या हमारे चेहरे पर होने लगती है तो हमें काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होने लगती है, क्योंकि जब भी हम ब्लीच वगैरह का प्रयोग करते हैं तो चेहरे पर दिखने वाले अनचाहे बाल भूरे रंग के हो जाते हैं और वही भूरे रंग के बाल हमारे पूरे चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ देते हैं। आइए जानते हैं कि अगर आपके चेहरे पर अनचाहे बाल हैं तो आप कच्चे पपीते का इस्तेमाल करके उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। कच्चे पपीते के कुछ टुकड़ों को अच्छे तरीके से मिक्सी में डालकर ब्लेंड कर लीजिए और जब इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए तो इसके अंदर हल्दी और बेसन दोनों की ही मात्रा की आधी चम्मच और एक चम्मच मिला लीजिए, आधी चम्मच हल्दी और एक चम्मच बेसन। इन दोनों को अच्छे तरीके से कंबाइंड करें और इसे अच्छे तरीके से कच्चे पपीते के साथ मिक्स करके चेहरे पर लगा लीजिए। जब ये सूखने लगे तो इसे स्क्रब करके छुड़ाइए। ऐसा करने से चेहरे पर आने वाले अनचाहे बाल इसी स्क्रब के साथ निकल कर आना शुरू कर देंगे। अगर आप हर हफ्ते में इस स्क्रब का या फिर इस पैक का प्रयोग 2 से 3 बार करते हैं तो ये आपकी त्वचा पर आने वाले अनचाहे बालों से आपको मुक्ति दिलाने में मददगार है। सो दोस्तों, अगर चेहरे पर अनचाहे बाल आ रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस पैक को ट्राई कर सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।